हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। डोडा चूरा की तस्करी कर भागते बदमाशों ने जालौर सिरोही सीमा पर नाकाबंदी कर रही पुलिसकर्मी पर की फायरिंग। इस दौरान पुलिसकर्मी सावला राम के दाहिने हाथ में गोली लग गई। मेरी रात को वराड़ा चेक पोस्ट पर ड्यूटी थी, सुबह 6:30 बजे का टाइम था। उस वक्त एक स्कॉर्पियो आ रही है उसकी सूचना मिली, जिस पर संपूर्ण नाकाबंदी करवाई। नाकाबंदी करवा के मैं साइड में खड़ा था, तो जैसे ही उन्होंने गाड़ी आई तो पहले तो मेरी तरफ ले आई, फिर उन्होंने फायर करके बैरिकेटिंग तोड़ के वहाँ से आगे निकल गई। कितने फायर किए? एक ही फायर किया था मेरे पे। कहाँ लगी आपके? मेरे दाहिने हाथ की भुजा पे लगी है। क्या नाम है? सावला राम मेरा नाम। घायल पुलिसकर्मी को जिला अस्पताल सिरोही ले जाया गया। घटना के बाद सिरोही पुलिस पूरी तरह तैयार हो गई है और एसपी कल्याण मलमीना के निर्देश के बाद तस्करों को पकड़ने के लिए पूरे जिले में अभियान चलाया जा रहा है। घटना के बाद जिले भर के थानों की पुलिस अलर्ट हो गई। इस घटना के बाद सिरोही पुलिस ने एक के बाद एक कार्रवाई को अंजाम दिया। डोडा पोस्ट से भरी एक गाड़ी और 275 किलो बरलूट पुलिस ने पकड़ी, तो वहीं सिरोही कोतवाली पुलिस ने गाड़ी सहित 4 क्विंटल डोडा पोस्ट पकड़ा, लेकिन इस कार्रवाई में एक भी आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लगा है। सिरोही पुलिस पूरी तरह गुस्से में है। एक पुलिस जवान पर गोली चलने के बाद पुलिस पूरी तरह हरकत में है। आरोपियों की जल्दी धरपकड़ करने में सिरोही पुलिस सफल होगी। जागरूक टीवी के लिए सिरोही से भवानी सिंह की रिपोर्ट।